हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में तीन ऐसे आरआरसी और जोन के बारे में अपन बात करने वाले हैं जिनमें जो वेटिंग लिस्ट हैं, जिनका नाम जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में था, उन सभी को मौका मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फ्यू लाइन्स, आप सभी को पता है अभी चंद्रयान 2 के लिए, तो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करूँगा। हो सके तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो स्किप मत करना। मैंने लिखी है फ्यू लाइन्स, होप आप सभी को पसंद आए। तो शुरू करता हूँ मैं। ए चांद जरा ठहर, हम वापस आएंगे, बहुत नाज है ना तुझे अपनी खूबसूरती का, सारी दुनिया को तेरे दाग धब्बे, पूरे ब्रह्मांड में हम हमारा तिरंगा लहराएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी चंद्रयान 2, दोस्तों फिर से जो अपना संपर्क टूटा था वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस से कनेक्शन मिल पाए। दोस्तों, ये इसीलिए है क्योंकि अपनी मेहनत पूरी थी, तो मेहनत पूरी थी। तो आज का वीडियो यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनमें मतलब उन्होंने छोड़ दी थी आज कि नहीं, अब हमारे ग्रुप डी की जर्नी जो एंड हो चुकी है। बट दोस्तों कहते हैं अगर आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत पूरी थी, तो आपको उसका आउटपुट निकलता ही है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैं RRCMAS अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, साउथर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट से लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो मैं लिंक देता हूँ वो मिल नहीं पाती है, जो PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ CEN02, जो अपना एडवर्टीजमेंट नंबर आया था ग्रुप डी का उस पर, और सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों तीन मैं अलग अलग आपको वेबसाइट पे जाके फिर पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्या न्यूज़ मिल पा रही है अपने पास वेटिंग लिस्ट वालों कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले आप देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई CEN, अपना जो एडवर्टीजमेंट नंबर था वो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एडिशनल कैंडिडेट्स। दोस्तों एडिशनल मीन्स जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे, कह सकते हैं कि मतलब जो वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल 2000 वैकेंसी निकली है, तो हो सकता है कि कहीं पे 2000 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया हो, 1800 ने किया हो, तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स रहते हैं फिर उनको मौका दिया जाता है, उन्हें एडिशनल कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट इसमें ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन थी ग्रुप डी की, वो हमने इस डेट से लेकर इस डेट में ऑर्गेनाइज करवाई, और जो PET टेस्ट रहता है अपना फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, वो भी हमने इस डेट से इस डेट के बीच में करवाई। अब इन्हें एडिशनल कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स, उनको कब बुलाया, 26/9/2019 को, जो ऑफिस है चेन्नई आरआरसी का वहाँ पे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे जो कैंडिडेट्स हैं, उनके सबसे अच्छी बात है कि उनका रोल नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और फादर्स नेम पूरी प्रॉपर जानकारी दे दी है। अपन जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कट ऑफ भी बता रखा है, UR का कितना गया है 72, SC का 62, ST का 60, OBC का 69, जो PWBD जो रहते हैं दोस्तों उनका 54, और PWBDHI इनके 31। आप डेट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ये PWD के कैंडिडेट्स, और यहाँ पे दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कितने 181 कैंडिडेट्स हैं नॉन PWD के, और PWD के 209 कैंडिडेट्स ओनली, जो टोटल कैंडिडेट्स हैं अप्रोक्सीमेटली अपन मान सकते हैं कि 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिला है। उन्हें उम्मीद थी, उनकी मेहनत पूरी थी, इसीलिए दोस्तों अब अपन जाते हैं दूसरे RRC पे, मैं वहाँ का भी क्या हाल है आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों पहले बात कर ली अपन ने चेन्नई की, अब दोस्तों अपन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे मीन्स भुवनेश्वर की। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट शेड्यूल। दोस्तों आपको यहाँ पर टैप करना है, आप जैसे ही टैप करेंगे नीचे तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न एग्जाम शेड्यूल। आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर जो है दोस्तों ये गलत डला हुआ है, यहाँ पे CEN नंबर 02/2019, पर आप जैसे ही इसे डाउनलोड करते हैं, जैसे मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ, ये जैसे आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होगा, आप उसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CEN02/2018, मीन्स ये स्पेशली जो 2018
18 में अपना जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों अपने जो काम की चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो पॉइंट है आप देख लीजिए यहाँ पे, ऑफर ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर जो सेकंड पैनल लिस्ट आया था वो 12 सितंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ पेंडिंग वालों का 15। पर दोस्तों ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला, इस पर आप जरूर ध्यान देना। इसमें लिखा है इशू ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोविजनल पैनल फॉर द वेटिंग कैंडिडेट्स बिलो द मेरिट पोजिशन, दोस्तों एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर 2019। आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर में 2019 में ये आएगा ही, मतलब अभी भी इनके पास जो पूरी की पूरी, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि अप्रोक्सीमेटली 2000 वैकेंसीज निकली है, तो अभी पूरे के पूरे इनके कैंडिडेट्स और जो स्टूडेंट है वो नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों इसके लिए वेटिंग लिस्ट, जिन जिन कैंडिडेट्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, आप बिल्कुल भी अपने हताश मत होइए, वरीड मत होइए, वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों, हो सकता है आपका नाम उसमें होगा जो आपकी ग्रुप डी की जर्नी है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट द शॉर्ट फॉल वैकेंसी फॉर कैंडिडेट्स बिलो द मेरिट पोजिशन। ये भी दोस्तों आप देख लीजिए अक्टूबर और लेटर ऑन, अक्टूबर में जो जो कैंडिडेट्स भुवनेश्वर जोन से RRC से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपने फॉर्म भरा था, तो आपको वेटिंग लिस्ट में जो हो सकता है कि एक कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया जाए तो उसमें आपका नाम ज़रूर आएगा। दोस्तों पहले अपन ने बात की चेन्नई की, दूसरे पे भुवनेश्वर, अब अपन जाते हैं तीसरे RRC पे। मैं आपको वहाँ का भी हाल बता देता हूँ, वहाँ क्या करंट अभी स्टेटस है वेटिंग लिस्ट वालों कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों ये आ चुके हैं अपन, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे, जो लास्ट अपन शुरुआत में फर्स्ट सेकंड बात कर लिए, अब लास्ट की बात कर रहे हैं अपन वेस्टर्न रेलवे की। दोस्तों इसमें भी अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, आप सभी ने देखा कि फर्स्ट पैनल सेकंड थर्ड इसमें कम से कम 3 पैनल आए, उसके बाद भी कैंडिडेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनकी जो डिटेल्स थी वो फेक पाई गई, इसलिए भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अभी वरीड ना हो, कोई टेंशन ना लें, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी हटाए जा रहे, छटनी हो रही है उनकी, उसके बाद आपको जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स उनको 110% मौका मिलेगा। आप जैसे ही नीचे करते हैं तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर स्टेज 4। दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टेज फर्स्ट और सेकंड में ही कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो पूरी फिल हो जाती है, बट यहाँ पर स्टेज 4 की बात आ चुकी है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों आप जैसे ही इसे फिल करेंगे और डाउनलोड कॉल लेटर करेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा, कि आपको वेटिंग लिस्ट में मौका मिला है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर जो RRC वेस्टर्न रेलवे है उनकी ऑफिस में वहाँ पर जाके आपको अपियर होना है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये पूरे के पूरे 3 RRC की बात की अपन ने। दोस्तों अभी बहुत सारे ऐसे RRCs हैं जिनमें जो फेक हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे केसेस पाए गए हैं, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से नहीं मिल पाते हैं, सिग्नेचर फोटो और जो साइन है, सॉरी सिग्नेचर भी अपने बात कर लिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने मिल रहे हैं कैंडिडेट्स को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम अभी तक पैनलिस्ट में नहीं आया है या जॉइनिंग लेटर नहीं आया, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे ही कोई RRC की तरफ से अपडेट आता है, आप सभी को पता है, एज सून एज पॉसिबल हमारी पूरी टीम उस पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर देती है। दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपके अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्यूरीज हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा शेयर करो, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स स्पेशली चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन और हेल्प करने के लिए बनाया गया है, अगर वो आपको मिल जाता है, आप तक प्रोवाइड हो जाता है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अपना खुद का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।